नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज दोस्तों मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर और आलू से जुड़ी हुई सारी जानकारियां लेकर। तो दोस्तों बात करेंगे रैक कहाँ पे पहुँच गई आज और क्या रेट बिके हैं रैक के आलू, और जो पार्सल का आलू था वो डैमेज हुआ फिर वो क्या रेट बिका, जो मैंने कल आप लोगों को बताया था जो पंजाब का आलू गया था। बाकी आप लोगों को दोस्तों मैं बताऊंगा कि कानपुर मंडी में आज तेजी कितनी आई है और कानपुर मंडी में कैसे हुआ है सुधार, और नए आलू की क्या रेट बिक रही है और नए आलू कहां कहां क्या क्या रेट बिक रहे हैं और नए आलू का कितना प्रेशर है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कल जो मैंने बताया था मैंने ओवरऑल मैंने खंदौली में कितना आलू बचा हुआ है, तो इसके लिए बहुत लोगों ने आपत्ति करी। अब जिन लोगों के पास आलू है उन लोगों को लगने लगा कि मैंने ज़्यादा बताया है, कुछ लोग सही बता रहे कि आपने सही बताया है। पर दोस्तों मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जिन कोल्ड स्टोर खाली कोल्ड स्टोरों की बात नहीं की, जिन कोल्ड स्टोरों में आलू है उनकी बात करिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का स्टॉक या कोई बताओगे तो वो भरे हुए जो कोल्ड स्टोरों में आलू है उस हिसाब से बताओगे, ठीक है। ओवरऑल नहीं बताओगे कि ओवरऑल क्या कंडीशन है। तो बहुत जिन कोल्ड स्टोरों में आलू है उनकी बात कर रहा था मैं। हो सकता है कि मेरी चीज़ मैंने कोई जो जानकारी दी हो वो ठीक नहीं लगे किसी एक आध आदमी को, तो दोस्तों उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। मैं कोई अधिकारी या कोई ऑफिशियल वेबसाइट या कोई वो नहीं हूँ मैं सरकार की कि जो मैं जानकारी दूँ और मेरे को हर आदमी को उसको मानना पड़े। दोस्तों ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसमें और ये जो 72-73 हज़ार किसान जुड़े हुए हैं उनका यूट्यूब चैनल है, और उनको अगर मेरी जानकारी ठीक लगती है तो मैं जानकारी देता हूँ। बाकी दोस्तों किसी को अगर नहीं समझ में आ रही हो तो मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और जो भी जानकारी मैं दूंगा वो एकदम सही दूंगा और मैं अपने हिसाब से भाव बताऊंगा। लोगों ने कहा मुझसे कि हम व्हाट्सएप ग्रुपों में भाव डालते हैं उनके आप भाव बताया करो, मैं उस भाव को देखकर क्यों बताऊंगा जब मैं या तो मंडियां नहीं जानता हूं, ठीक है। अगर कोई आदमी आलू का व्यापार कर रहा है तो वो कहीं का डिग्री डिप्लोमा या कोई कहीं कुछ लेके आया है दुनिया से, मेरे दोस्तों अपना खुद का अपने जानकारी हो मैं अपने हिसाब से काम करता हूं। तो मैं कल मैंने उन जिनका भी फ़ोन आया था मेरे पास और मैंने उनसे कल फ़ोन पे कोई बात नहीं करी थी, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे फ़ोन करें या किसी चीज़ को अपने हिसाब से करवाने की कोशिश करें वो काम मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं अपने बुद्धि विवेक से काम करता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता हमारी जानकारी तो आप कतई मत देखें, ना आप बिल्कुल दूर रहें हमारे यूट्यूब चैनल से, पर जो किसानों के हित में काम है वो मैं करता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा। बहुत से लोगों ने कही कि आप वीडियो बनाना भाव बताना बंद कर दो शर्मा जी, मैं क्यों करूँगा भाव बताना बंद, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूँगा, चाहे मैं कितना ही व्यस्त रहता हूँ, कहीं नुकसान है किसानों का वो मैं दिखाता रहूँगा, जितनी मैं अपने शरीर से मेहनत कर सकता हूँ उतनी मैं करता रहूँगा। उसके लिए मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, YouTube मुझे इतना दे देता है कि मैं खर्च कर सकता हूँ उसको, चाहे डीजल हो चाहे कुछ हो, ठीक है। और प्रभु ने दोस्तों इतना दे रखा है कि मुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए लोग मुझे लालच देने की कोशिश तो करते ही करें नहीं, ठीक है। बात करें दोस्तों मंडियों की, तो मंडियों में आज साउथ की मंडियों में लगभग वही भाव चल रहे हैं, कानपुर मंडी लोकल की टाइट हुई है, बाकी लोकल की मंडियों में सब में बुरी स्थिति है। बात करें चेन्नई की और आगे, और दोस्तों सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं शर्मा जी आपके दिमाग में मद्दा भरा हुआ है, मेरे दिमाग में कुछ नहीं भरा हुआ, मद्दा तेजी किसी के दिमाग के हिसाब से नहीं चलती है, मेरा काम डेली आप लोगों को अपडेट करने का है, चाहे कोई अगर ये चीज़ अगर किसी को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आपको नई जानकारी ठीक लग रही है तो आप बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। बाकी जितने मेरे किसान हैं जो मेरे 10-20 हज़ार लोग डेली मेरा वीडियो देखते हैं दोस्तों, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्हें मेरी जानकारी ठीक लगती है, अगर ख़राब लगे तो वो डेली मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। बाकी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए कुल मिला के कैसे भी करके, और इस 2022 में कुल मिला के रेट बहुत बढ़िया मिले, और इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का चाहे कोई भी मेहनत कर रहा हो सबका योगदान थोड़ा थोड़ा रहता है। बात करें दोस्तों चेन्नई की, सबसे पहले चेन्नई शुरुआत करेंगे। चेन्नई मंडी में आज 100 रुपये आलू बिके हैं, 23 से लेकर 24 रुपये किलो, हल्के क्वालिटी के आलू 20 से लेकर 21 रुपये किलो बिके हैं। शमशाबाद का जो आलू है वो बिका है 24 से लेकर 25 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के आलू 22 से लेकर 23 रुपये किलो, और लोकल की लगभग 20 गाड़ी हैं वो बिका है 30 से लेकर 35 रुपये किलो। और आज लोकल का आलू दोस्तों टाइट हुआ है वहाँ पे, और हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 20 से लेकर 25 रुपये किलो लोकल के। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना में आज VVIP एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं आपके 19 से लेकर 20 रुपये किलो, एक आध लॉट बिका है 19 रुपये और 20 रुपये किलो, और ज़्यादातर आलू बिके हैं 17 से 18 रुपये किलो, ठीक है। जिन महानुभाव का फ़ोन मेरे पास आया था उनको मेरी पूना की रिपोर्ट गलत लग रही थी, वो कह रहे थे कि पूना का आलू आपने रिपोर्ट पूना की गलत दी है, जबकि दोस्तों मैं भी आढ़तियों से बात करके रिपोर्ट देता हूँ, फर्जी रिपोर्ट फर्जी तेजी बनाना मेरे मतलब में है नहीं है, और जो चीज़ ज़मीन से है पूरे 10 महीने इन्हीं भाव की वजह से, और मंडियों में सही आलू बिके, कोल्ड स्टोरों पर भी सही आलू बिके, किसानों ने आलू 11 बजे के बाद वीडियो सुनकर ही बेचने खूब बेचा लोगों ने और लोगों को फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये लोग मैं फीडबैक फील्ड में बैठ कर लेता हूँ, घर में दबक के नहीं, ठीक है, मैं यही काम करता हूँ दोस्तों। बात करें पूना में जो हल्के आलू हैं वो बिके हैं 17 से 18 रुपये किलो,
बात करें दोस्तों, और जो जिन लोगों ने जो जिनका मेरे पास फ़ोन आया था, जो होशियार बहुत होशियार कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, वो मेरे को वो समझ जाएंगे कि किसके लिए बात हो रही है। बात करो, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। बात करें नए की, तो पूना की मंडी में 1000 पैकेट आए हैं, वो बिकाए 21 से लेके 22 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 19 से लेके 20 रुपए किलो। बात करें बेंगलोर की, तो बेंगलोर में आज आलू बिके हैं BBIP 23 से लेके 24 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के 20 से लेके 21 रुपए किलो मंडी में आलू बिके हैं दोस्तों। और मैसूर की बात करें, तो मैसूर में आज BBIP आलू 19 से लेके 21 रुपए किलो बिके हैं, हल्की क्वालिटी के आलू 19 से लेके 20 रुपए किलो बिके हैं। बात करें कानपुर की, तो कानपुर मंडी में आज तेजी है दोस्तों। गुल्ले जो बिक रहे थे 3-4 रुपए किलो, वो बिके हैं 6 से लेके 7 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के गुल्ले बिके हैं 4 से लेके 5 रुपए किलो। मोटा बिका है दोस्तों 11 से लेके 12 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का दोस्तों मोटा बिका है 9 से लेके 10 रुपए किलो। हॉलैंड बिके हैं 13 से लेके 14 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी के हॉलैंड बिके हैं 10 से लेके 11 रुपए किलो। बात करें किर्री की, तो किर्री भी बिकने लगी है 2 से लेके 2.5 रुपए किलो, और नया आलू बिक रहा है दोस्तों 650 से 750 रुपए मन 40 किलो के दोस्तों भाव। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे आप लोग बताएं कि कानपुर मंडी की किसने का कोई जितने भी कोई भी इस फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो चाहे कोई हो, कानपुर मंडी की 8 दिन तक मैंने दोस्तों खबर ली, 8 दिन तक मैंने बार बार यही, आज भी अराइवल उतनी है, ध्यान रखना सब चीज़ उतनी है। ठीक है, पर ये है कि सारी व्यवस्थाएँ, तो फरुखाबाद की नए की बात करें, तो आज 20 मोटर की आमदनी है 725 से लेकर 781 रुपये बिका है दोस्तों आज आलू, और वो आपको बताइए कैसे बिकता है फरुखाबाद में। बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में जो नए आलू बिके हैं 12 से लेकर 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के आलू बिके हैं 10 से लेकर 11 रुपए किलो, और कोल्ड स्टोर के जो एक दो लॉट BBIP आलू हैं, बढ़िया आलू, वो बिके हैं 13 से 14 रुपए किलो। एक आध लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, हल्की क्वालिटी के 6 से लेकर 11 रुपए 12 रुपए किलो तक दोस्तों आलू बिके हैं। हमारा जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, वो किसानों को जागरूक करना है, किसानों को अपडेट करना है, किसानों को अंधेरे में रखना नहीं है। अगर भाव बढ़ते हैं मंडियों में, तो किसानों को तुरंत अपडेट होना चाहिए। जब जो RBI की टीम आई थी, मैं बार बार यही बात कहता हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जो सर्वे किया था कोल्ड स्टोरों के पे, मैं लेके गया था उनको, उन्होंने मुझसे यही चीज़ पूछी थी कि शर्मा जी एक चीज़ ये बताओ कि किसानों को मालूम कैसे पड़ता है कि आज क्या रेट चल रहे हैं, जब किसान बोली आलू बेचने जाता है। तो दोस्तों मैंने उन्हें बताया कि मेरे आप वीडियो में भी मैं यही काम करता हूँ डेली, किसानों को अपडेट करने का कि क्या रेट आलू बिक रहा है, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं इस काम को। ठीक है दोस्तों, डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा तो दोस्तों कहीं ना कहीं है ही है, और जिनको फ़ायदा है दोस्तों उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है, और जिनको दोस्तों नुकसान है उनको नुकसान वो बना रहे हैं, उससे कोई किसी को लेना देना नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात चोरों को नुकसान है, ईमानदारों को कोई नुकसान नहीं है। बात करें गुवाहाटी की, तो एक्सा सुपर आलू बिके हैं 17 से 18 रुपए किलो आज, बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के 15 से लेकर 16 रुपए किलो। नया आलू बिक रहा है दोस्तों 21 से लेकर 22 रुपए किलो, और हल्की क्वालिटी का 19 से लेकर 20 रुपए किलो, पंजाब का जो ट्रक से पहुंचता है। फरुखाबाद का दोस्तों आलू बिका है 12 से 14 रुपए किलो रैक वाला, और हल्की क्वालिटी का 10 से लेकर 11 रुपए किलो। बात करें मुंबई मंडी की दोस्तों, तो मुंबई मंडी आज तेज है, आज मुंबई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 20 से लेकर 21 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का आलू बिका है 18 से लेकर 19 रुपए किलो। लूज हल्का मतलब वैसा आलू जो लूज टाइप का बंद कोल्ड स्टोर वाला 10 से 15 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू पीली काट के 10 से 15 रुपए किलो बिके। नया दोस्तों आलू बिका है आपका कच्चा आलू, जो यूपी वाला जो नया आलू पहुंच गया है, वो भी पहुंच गई होगी कदगाड़ी, वो 14 से 16 रुपए किलो। नया MP का दोस्तों बिक रहा है ज्योति 20 से 21 रुपए किलो, MP का नया पुखराज बिक रहा है कच्चा 18 से लेके 20 रुपए किलो तक। गुजरात का LR बिक रहा है बेपर पास 30 से लेके 40 रुपए किलो। अरे वाह, चिप्स वाला जो होता है वो जो चिप्स के लिए पास हो जाता है, और हल्की क्वालिटी का LR बिक रहा है 10 से 15 रुपए किलो। गुजरात का पुखराज बिक रहा है 10 से लेके 13 रुपए किलो, जो कि कोल्ड स्टोर वाला है। बात करें दिल्ली आज़ादपुर की दोस्तों, तो कल तो आपको पता ही है मंडी का इलेक्शन था, आज मंडी खुली हुई है। नया करीब 140 गाड़ी का अराइवल है, 75 गाड़ी नई की हैं, और यूपी की 20 से 21 गाड़ी संभल की पहुंच रही हैं। एक्स्ट्रा सुपर जो कोल्ड, अब पहले नए आलू के भाव सुन लो, तो पंजाब का आलू बिके हैं 700 से लेकर 750 रुपये 50 किलो के भाव नए वाले। संभल के आलू बिके हैं दोस्तों 800 से लेकर 850 रुपये। ठीक है, और 3797 एक्स्ट्रा सुपर बिका है 900 से लेकर 950 रुपये, बहुत BBIP आलू हल्की क्वालिटी के 500 से 600 700 रुपये तक। और चंदौसी का चिप्स होना 850 से 900 1000 रुपये तक, और आगरा अलीगढ़ के चिप्स होना 800 से लेकर 850 रुपये तक। चंदौसी आगरा के दोस्तों, वो चंदौसी का सूर्या वो 1000 से लेकर 1200 रुपये, और आगरा अलीगढ़ का सूर्या बिकाए 900 से लेकर 1050 रुपये, लगभग 50 किलो के तोल के दोस्तों ये भाव हैं। लोग पूछते हैं कि शर्मा जी कोल्ड स्टोरों में आलू कितना बचा है, तो कोल्ड स्टोरों में आलू दोस्तों इस समय बचा ही होगा तभी मंडियों में पहुंच रहा है, अगर खत्म हो गया होता तो मंडियों में नहीं पहुंचता। धीरे धीरे अराइवल घटेगी तो भाव सुधरेंगे, ऐसा हो सकता है। ये सब चीज़ें दोस्तों
भविष्य की चीज़ें हैं और इनके ऊपर बात करने में कोई लाभ नहीं है। आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, ये सब दिसंबर हो गया, 7 दिसंबर, बहुत लंबा समय हो गया, कोल्ड स्टोर बंद हो चुके हैं हमारे यहाँ बहुत से, ठीक है, बहुत से कोल्ड स्टोर चालू हैं, जिन लोगों के में आलू रखे हुए हैं वो लोग अपने मशीनें चला रहे हैं धीरे धीरे करके। बाकी दोस्तों भविष्य की किसी को नहीं मालूम क्या होने वाला है, तेज़ी आएगी तो तेज़ी का अपडेट सबसे पहले मैं करूँगा। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे को मद्दा अच्छा लगता है वो लोग पीछे पुरानी मेरी वीडियो उठाकर देख लें। बाकी दोस्तों सबसे पहले तेज़ी की अपडेट मैं करूँगा, कानपुर में तेज़ी तो मैंने आज अपडेट करी है, तेज़ी मेरे यहाँ चुप, मैं नहीं भूलता हूँ तेज़ी को ना, मैं किसी, मैं काम करता हूँ आलू की परिस्थिति के ऊपर बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है ना। तो बाकी दोस्तों अगर मैं बार बार निवेदन करूँगा, किसी को मेरी जानकारी नहीं समझ में आती है तो वो चैनल को छोड़ के तुरंत जाएँ स्पीड से, ठीक है। बाकी किसानों के लिए जो भी हित के लिए काम होगा, जो भी कैसे भी करके आलू में, वो मैं करता रहता हूँ, बाकी मैं अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। फेसबुक ग्रुप अभी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, फेसबुक ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास आलू रखा हुआ है, मैं भी भगवान से कामना करूँगा कि इनका आलू बहुत अच्छी रेट में बिके, ठीक है। ये सब ज़्यादातर आलू जो अभी रखे हुए हैं सब खरीद वाले आलू हैं दोस्तों, इसमें मोटा पैसा कोल्ड स्टोर वालों का भी लगा रहता है और व्यापारियों का भी बहुत मोटा पैसा लगा रहता है। तो ये लोग दोस्तों बचें और इन लोगों का आलू कम से कम अच्छे रेट में बिके, जिससे इनको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और क्षेत्रफल का इस समय मंथन चल रहा है, सब्जी जानकारी लेके क्षेत्रफल का जरूर जानकारी आप लोगों को देंगे, जैसे ही समय मिलेगा वैसे ही। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।